मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट व ड्रग इंस्पेक्टर ने वर्तमान प्रधान के भाई के घर से करोड़ों रुपए की एक्सपायरी डेट की दवाओं का जखीरा बरामद किया है। दरअसल पूरा मामला जनपद के थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव शेरनगर का बताया जा रहा है, जहां वर्तमान प्रधान के भाई पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद व थाना नई मंडी की टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की है। हालांकि मौके से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर, शेरनगर में एक दवाई छापेमारी की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, दो दिन पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नई मंडी थाना क्षेत्र में एक गांव है श्रीनगर, जिसमें कि इनाम यात्री द्वारा दवाइयों का व्यापार किया जा रहा है। उस सूचना पर आज मेरे द्वारा तथा अध्यक्ष विभाग की टीम और एसएचओ नई मंडी के द्वारा छापेमारी की गई। तो इनाम यात्री को मौके पर उपस्थित नहीं मिले, लेकिन जब उनके घर की सर्च की गई तो वहाँ भारी संख्या में वहाँ दवाइयाँ हमें प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष विभाग की टीम ने जो अभी तक सूचना दी है जाँच पड़ताल के बाद बताया है कि अधिकतर दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं, और संभवतः यह प्रतीत हो रहा है कि एक्सपायरी जो देश की दवाइयाँ हैं उनको डेट बदल के वापस मार्केट में सेल किया जाना संभावित है। अध्यक्ष विभाग की टीम अभी तक लगातार वहाँ पर जाँच कर रही है और सभी दवाइयों को सीज किया जा रहा है, और इससे हम लोग पूरी जाँच पड़ताल के बाद जो भी दूसरी लोगों के विरुद्ध कर रहे हैं। सर, गाड़ियों में भी दवाइयाँ भरी मिली है बैड? हाँ बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो घर था, घर के जो अंदर दीवान था उसको जब खोल के देखा गया उसमें भी दवाइयाँ बरामद हुई हैं। साथ ही एक मारुति 800 गाड़ी थी जो घर से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, उसमें भी दवाइयाँ थी। गाड़ी को भी सीज किया गया है और जो जितनी भी दवाइयाँ घर के अंदर पाई थी सभी को सीज। लगभग कितनी कीमत की सर दवाई है? अभी देखिए, ड्रग्स इंस्पेक्टर ने जो बताया है लगभग ये मान के चला रहा है कि 1 करोड़ के आसपास की दवाइयाँ रही हूँ, इससे अधिक ही रही हूँ। किसी को इसे हिरासत में लिया गया? नहीं, जो मेन आदमी था मैंने बताया वो वहाँ पर मौके पर उपस्थित नहीं था, और पुलिस उसकी खोज कर रही है, उनसे उनको बुलाकर पूछताछ की जाएगी और बाकी।